सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग जो है न्यूज़, बहुत बढ़िया। जो फ्रेंड्स काफ़ी दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे पाई वॉलेट का। सो फ्रेंड्स फिलहाल देख लीजिए, अभी जो है पाई वॉलेट लॉन्च हो चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली जो है पाई वॉलेट सिर्फ अभी कुछ ही लोगों तक सीमित है फ्रेंड्स। और ये सभी लोगों तक कितनी देर में और कब तक आप लोगों तक पहुंचने वाला है फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको यहां पर वीडियो के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा पूरा कॉन्सेप्ट। और वीडियो को इसलिए पूरा एंड तक देखिएगा। और साथ ही फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सभी लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचती रहे। और स्पेशली अगर आप पाई नेटवर्क के यूजर्स हैं तो सिंपल सी भाषा में समझने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, ताकि आप लोगों को स्पेशली आप जो है पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और यहाँ पर बात करते हैं पाई नेटवर्क के वॉलेट को लेकर के। सो फ्रेंड्स अभी जो देख सकते हैं, अभी आप अपने होम पेज स्क्रीन पर देख सकते होंगे पाई वॉलेट की जो होम स्क्रीन है, आप सभी के पास में फिलहाल ये नज़र आ रहा होगा, इंट्रोड्यूसिंग पाई वॉलेट एंड पाई वॉलेट लॉन्च रीड मोर। ठीक है, सो रीड मोर पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या हमको जो है पढ़ने के लिए मिलता है, क्या जो है यहाँ पर अब जो है अपडेट है उसके बारे में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है द पाई वॉलेट इज करंटली अवेलेबल टू पायनियर्स थ्रू द पाई नोड डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। टू क्रिएट अ पाई वॉलेट एनीवन कैन डाउनलोड द नोड डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर फ्रॉम नोड mindpy.com एंड इंस्टॉल द डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर एंड एक्सेस द वॉलेट इट इनसाइड मेन्यू। यू डू नॉट हैव टू रन अ ब्लॉकचेन नोड टू यूज द पाई डेस्कटॉप इंटरफेस दैट कंटेन्स द वॉलेट। The mobile version of the wallet will be inside a new mobile application that is currently under review by iOS and Android stores and will be available once the review finishes in a few days. So friends, यहाँ पे जो है यहाँ पर ये wallet में अभी लिखा हुआ है यहाँ पर कि the Pi wallet जो है, ठीक है, ये फिलहाल सिर्फ उन लोगों के लिए है, यानी कि जो लोग पाई नोड को रन कर सकते हैं या कर रहे हैं या कर रहे थे, ठीक है, या करने वाले हैं। तो सो मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स अभी जो है मोबाइल वर्जन के लिए वॉलेट अभी अवेलेबल नहीं हुआ है। ठीक है, अभी फ़िलहाल डेस्कटॉप लैपटॉप वर्जन के लिए अवेलेबल है, यानी कि अगर आपके पास डेस्कटॉप और पीसी है तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको ये जो वेबसाइट है mindpy.com, ठीक है, इस पर आप डेस्कटॉप पर जाएंगे, ठीक है, अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे जो आपका गूगल क्रोम ब्राउज़र है या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, और उसके बाद आपको गूगल पर टाइप कर देना है माइंड पाई। फॉर एग्जांपल मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ माइंड पाई, ठीक है, माइंड पाई, ठीक है, ये आपने कर दिया, उसके बाद पाई नेटवर्क, ठीक है, अब आपकी वेबसाइट ओपन हो गई फ्रेंड्स। उसके बाद आपको ये पाई नोड PINODE इसको आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आप या फिर आप सिंपली ये जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड ऐप का, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक फाइल जो है वो डाउनलोड आ जाएगी, हो जाएगी। यहाँ पर कीप या डिस्कार्ड का ऑप्शन आएगा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा दूँ तो दिखा देते हैं, और गूगल नहीं सॉरी पाई नोड हमको करना है। सो ये है डाउनलोड नोड, ठीक है, सो विंडोज या मैक आपको पाई नोड पर क्लिक करना है, उसके बाद डाउनलोड नोड पर, उसके बाद मैक या विंडोज। सो अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो विंडो पर क्लिक करेंगे, और अगर आप एप्पल का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो मैक पर क्लिक करेंगे। तो विंडोज़ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा, ये देखिए, ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल कर देना, इंस्टॉल करने के बाद आपके पास जो ये एप्लीकेशन है वो यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सो आपके डेस्कटॉप पे जैसे ही आ जाएगी आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर आपके पास पूछा जाएगा कि नोड का जो है नंबर बताएं। ठीक है, नंबर तो आप क्या करेंगे वहाँ पर, आप कुछ भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे या 3 6 9 1 कुछ भी नंबर, 4 5 जितना भी नंबर वहाँ पर पूछा जाता है वो डाल सकते हैं आप। ठीक है, डालने के बाद आप अपने फ़ोन पर जाएंगे, फ़ोन की पाई नेटवर्क एप्लीकेशन पर ओपन करेंगे, और वहाँ उसके नोड, ठीक है, प्रोफाइल में जाने के बाद आपको नोड पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे अपने लैपटॉप पर आपके पास यहाँ पर नोड का नंबर डालने के लिए पूछा जाएगा वो आपसे, आप उसमें नंबर डालेंगे 2 4, उसके बाद अपने फ़ोन की एप्लीकेशन पर जाएंगे पाई नेटवर्क एप्लीकेशन, और उसके अंदर आप जो लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ जो आपके पास प्रोफाइल 3 डॉट्स नज़र आती हैं लाइन,
ठीक है, जो कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपके फ़ोन में भी नज़र आएंगे आपको, ये जो 3 लाइन्स है इस पर नज़र जाएंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अभी ये क्योंकि मेरा डेस्कटॉप की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, बट आप अगर आप पाई नेटवर्क एप्लीकेशन अपने फ़ोन की एप्लीकेशन पर जाएंगे तो होम UPI यूटिलिटीज़ और उसके बाद नीचे चैट के नीचे आपके पास अपने फ़ोन की एप्लीकेशन के अंदर आपको नोड का ऑप्शन मिलेगा। आप नोड पर क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पर आप जो है जो आपको डेस्कटॉप पे आपने जो 3-4 नंबर डाले, फॉर एग्जांपल 3691 इस तरीके से जो भी डाला, वही सेम आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर डालना है नोड वाले ऑप्शन के अंदर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो मोबाइल का पाई अकाउंट है वो यहाँ पर आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो वो फ्रेंड्स आपको करना है। उसके बाद आप जो है क्या करेंगे फ्रेंड्स कि आपको जाने के बाद ये जो लाइन है उसके बाद वॉलेट पर क्लिक करेंगे और वॉलेट पर क्लिक दिया हुआ है वॉलेट का। और अब मैं देखिए यहाँ पर जो उस जैसे मान लीजिए अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप पर ओपन कर लिया, उसके बाद आपको उस अपनी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर आपको ये 3 जो डॉट्स लाइन है यहाँ पर आपको जाना है, उसके बाद वॉलेट पर क्लिक करना है। और वॉलेट पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ जनरेट योर वॉलेट, डू नॉट प्रेस बैक बटन अंटिल यू फिनिश द होल प्रोसेस। यानी जब तक मैं यहाँ पर पूरा प्रोसेस ना कर दूँ तब तक आपको जो है बैक नहीं करना है, आपको सिंपली कंटिन्यू करते चले जाना है, ठीक है। तो मैं जनरेट वॉलेट पर क्लिक कर दिया मैंने फ्रेंड्स। योर वॉलेट इज सक्सेसफुली क्रिएटेड, स्टोर योर पास फ्रेस, इट अनलॉक्स योर वॉलेट की, कीप इट सीक्रेट। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आपके पास यहाँ पर जो है आएगा और आपने इसको क्या करना है, आपने इसको कॉपी कर लेना है। आपने इसको एक जो नोटबुक होती है ठीक है वहाँ पर आप ये सभी जो फ्रेसेस हैं ये फ्रेंड्स आपको राइट डाउन कर लेते हैं, लिख लेने एक कॉपी में संभाल करके, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप इसको ना लिखें, क्योंकि फ्रेंड्स अगर ये आप मिस कर देते हैं और ये गुम हो जाते हैं आपके, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो आपको ये सब एब्जॉर्ब हाई इस तरीके ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके आप अपना वॉलेट जो है वो खो सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसको आप इस तरीके से मान लीजिए कि ये आपके मेन पासवर्ड है, यानी अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं और उस बेस पर अगर आप यहाँ पर ये प्रेस जो पास फ्रेस है अगर ये आपके पास नहीं है तो आप कभी भी अपने वॉलेट का पासवर्ड रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है, अपने अकाउंट को रिकवर नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स ये जो मैं आपको पास फ्रेस बता रहा हूँ यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसको आप एक पासवर्ड की तरह अपने कॉपी पर अपने उस पर किसी भी एक जो आपकी पर्टिकुलर डायरी हो कहीं भी इसको अच्छे से संभाल के रखिए, कहीं लिख लीजिए और लॉक करके इसको संभाल के रखिए, ये आपके होल लाइफ जो है फ्रेंड्स आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। सो एनीवेज अब यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स ये देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने कंफर्म किया है कि भाई आई सेव्ड माई पास फ्रेस, ठीक है। तो अब आपने लिख लिया है अच्छे से, अब लिख लेने के बाद इसको आई सेव्ड माई पास फ्रेस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है दिस इज़ योर आइडेंटिटी ऑन द पाई ब्लॉकचेन पब्लिक। अब ये जो है इसको भी आपने कॉपी कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है, और इसको भी आपने एक प्रिंट आउट वगैरह निकलवा करके फ्रेंड्स ये आपने रख लेना है संभाल करके। मुझे भी संभालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सर्चेबल बाय यूजर नेम रिकमेंडेड, अदर कैन सर्च फॉर योर यूजर नेम दुर्गेश राजपाल एंड सेंड योर क्रिप्टोकरेंसी, और नॉट सर्चेबल, अदर्स हैव टू मैन्युअली टाइप इन योर वॉलेट एड्रेस टू सेंड यू क्रिप्टोकरेंसी। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ठीक है ऑप्शन नज़र आएगा, उसको आप कंटिन्यूसली करते रहिएगा, दिखाऊंगा आपको। सो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए, सो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ लिखा है कि द मोबाइल वर्जन, सो यू डू नॉट हैव टू रन अ ब्लॉकचेन नोड टू यूज़ द, सो सिंपली आप इसको सिर्फ वॉलेट जो है एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसको। और अब इसमें फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या है कि आपको वो जो पाई वॉलेट की जो की बताया मैंने, पास फ्रेसिस बताया, उसको आपने अच्छे से संभाल करके सेफली रख लेना है और लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखिए, प्लीज़ वेट फॉर अ फ्यू डेज अनटिल वी अनाउंस द न्यू मोबाइल ऐप एंड सो
अब जैसा फ्रेंड्स बताया कि अभी डेस्कटॉप या लैपटॉप वाले जो लोग हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, और आगे चल के फ्रेंड्स अभी कुछ ही दिन के बाद जो है मोबाइल के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा सभी लोगों के लिए। और फिलहाल इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो दो मोबाइल वर्जन है, ठीक है, मोबाइल वर्जन जो है उसके ऊपर अभी रिव्यू हो रहा है, ठीक है, अभी उस पर काम चल रहा है फिलहाल, और कुछ ही दिन के बाद सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। एंड ये अभी जो रिव्यू है वो फ्रेंड्स आपका एप्पल स्टोर और एंड्रॉयड स्टोर और साथ ही हाँ आपका एंड्रॉयड स्टोर और एप्पल स्टोर पर जो है ये अंडर रिव्यू है। सो रिव्यू कंप्लीट होने के बाद, फिनिश होने के बाद ये जो है आप सभी लोगों के पास कुछ ही दिन में सभी के फ़ोन के अंदर जो है वॉलेट आपके पास एक्सेसिबल होगा और आप उसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये इन्होंने यहाँ पे जो है लिखा हुआ है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें, सो टू इंट्रोड्यूस द पाई वॉलेट इज वॉट बिलीफली गोइंग ओवर व्हाट अ क्रिप्टो वॉलेट, सो पब्लिक एड्रेस एंड पासवर्ड। सो इस यहाँ पर फ्रेंड्स इन्होंने वही चीज़ समझाई है जो मैंने अभी आपको बताई कि आपको जो है जो अपना पास फ्रेस है उसको अच्छे से लिख लेना है, और जो आपकी पब्लिक एड्रेस की है वो भी आप संभाल कर रखिए, और प्राइवेट की आपकी प्राइवेट रहेगी उसको आपको संभाल के रख लेना है। पब्लिक एड्रेस की जो है वो फ्रेंड्स आपके ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी अगर आप किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो ये उसके लिए है या रिसीव करने के लिए। बट पास फ्रेस जो है वो आपके एक तरीका, जैसे मैंने बताया कि वो पासवर्ड आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पास फ्रेस वाला, ठीक है। उसके अलावा जो आपका क्या है, जो आपकी की है पब्लिक की, वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपके लिए रहेगी उसको लॉगिन करने के लिए। सो ये है फ्रेंड्स यहाँ पर पाई नेटवर्क के वॉलेट के बारे में इंफॉर्मेशन। अब अगर हम नीचे जाएं तो फ्रेंड्स यहाँ पर द पाई वॉलेट कैन जनरेट वॉलेट एड्रेस और मल्टीपल ब्लॉकचेन्स एंड होल्ड डिफरेंस। सो फ्रेंड्स अगर मैं इसके बारे में अब आपको ज़्यादा समझाऊं पाई वॉलेट के रिगार्डिंग, सो बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसके बारे में आपको अच्छे से बाद में समझा दूंगा। बट फिलहाल आपके लिए क्या है कि बस यही जो इंपॉर्टेंट अपडेट थी वो ये थी कि अभी फिलहाल जो है अगर आप डेस्कटॉप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पर जो है अपने पाई वॉलेट को एक्सेस करके देख सकते हैं इंटरनल यूज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं, ठीक है। बट मोबाइल के लिए आपको कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा, शायद 2-4 दिन 5 दिन 7 दिन, ठीक है, और उसके बाद सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स यही था इस वीडियो में। बाकी फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई हो, अच्छे से आपको ये चीज़ पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा पाई वॉलेट के रिगार्डिंग। एंड वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और साथ ही फ्रेंड्स मैंने जैसा कि कहा कि आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मैं अपना जो है टेलीग्राम चैनल मैंने जो है बनाया है, और वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जितने भी पाई नेटवर्क यूजर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, यानी इंडिया में कहीं से भी पाई नेटवर्क यूज़ करते हैं, सो फ्रेंड्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके आप मेरे साथ सपोर्ट ले सकते हैं, और मैं वहाँ पर जो है मीटिंग जो है जूम मीटिंग वो शेड्यूल करूँगा या फिर यूट्यूब पर मीटिंग शेड्यूल करूँगा, और वहाँ पर जो है फ्रेंड्स हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और आपके सारे सवालों के जवाब और आपको सपोर्ट या हेल्प जो है वहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स इसलिए टेलीग्राम पर जुड़िए, और साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, एंड तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है।